ज्ञानवापी में रातों रात बड़ा खेल हो गया बॉस, रातों रात वहां पूजा हो गई। अभी कोर्ट ने फैसला ही सुनाया था और कहा था कि भाई हफ्ते भर का वक्त है, आप पूजा पाठ का वहां इंतजाम कीजिए। यहां रातों रात पूजा हो गई बॉस। सुबह लोग उठे तो बोले अरे बॉस ये क्या खेल हो गया। लोग कहने लगे कि ज्ञानवापी अब मस्जिद नहीं मंदिर हो गया, मंदिर वहां था और अब वहां है, ये लोग मानने लगे। 31 साल पहले मुलायम सिंह के राज में जो ताला लगा था वो योगी आदित्यनाथ के राज में रातों रात खुल गया। जो ताला 31 साल लटका रहा वो कोर्ट का आदेश आते योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में उतार दिया और फेंक दिया और वहां पूजा पाठ शुरू करा दी रातों रात। ये होता है क्विक एक्शन और ये अपनी मर्जी से नहीं। मुलायम सरकार में तो ताला बिना कोर्ट के आदेश के लटका दिया गया था ज्ञानवापी में, लेकिन योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश आने के बाद अपना धर्म निभाया और जो कोर्ट ने कहा वो करके दिखाया। वाराणसी कोर्ट ने कल ही आदेश दिया था कि ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा की जाए। इसकी व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिन का वक्त दिया, लेकिन योगी सरकार ने कल का दिन खत्म होने से पहले ही पूजा की व्यवस्था करवा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा और कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और इसीलिए लोग योगी मॉडल की बात करते हैं बॉस। कोर्ट ने कहा करके दिखा दिया, ये नहीं किया है वो क्या कहेगा वो क्या करेगा, आदेश है करो। आप देखिए कि ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी का तहखाना कैसे हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोग तो कई लोग तो पहली बार देख रहे होंगे, ये व्यास जी का तहखाना है जो ज्ञानवापी परिसर है जहां मस्जिद बना दी गई वहां पर ये तहखाना मौजूद है। और 1993 तक मुलायम सरकार ने जब तक वहां ताला नहीं लटकवा दिया तब तक वहां पूजा होती थी। ये तस्वीर देखिए, ये वही व्यास जी का तहखाना है और अब इस तहखाने में घंटियां बज रही हैं, आरती हो रही है, भगवान की मूर्तियों की पूजा हो रही है, भगवान को भोग लगाया जा रहा है। तहखाने में आचार्य गणेश्वर द्रविड़ ने कलश स्थापित किया, मंत्रोच्चार के साथ गौरी और गणेश जी की आरती की गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत दूसरे सभी धार्मिक चिन्हों की पूजा अर्चना की गई। एक बार जरा पूजा वाली तस्वीरें दिखाइए फिर से लोगों। तो ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो लोग तहखाने के अंदर नहीं जा पा रहे हैं वो बाहर से ही तहखाने के दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया इस समय ज्ञानवापी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद सबसे पहले काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने 31 साल से बंद तहखाने की साफ सफाई की और तांबे के बड़े बड़े कलश में, ये देखिए इतने बड़े बड़े कलश में गंगा जल अंदर ले जाया गया। जहां पर मस्जिद के अंदर ये तहखाना है वहां गंगा जल से उस तहखाने को शुद्ध किया गया रात में। ये देखिए इतने बड़े बड़े कलश में गंगा जल जा रहा। उसके बाद आरती के बाद वाराणसी के कलेक्टर, मंडल आयुक्त और पुलिस कमिश्नर के साथ मंदिर के कई ट्रस्टी वहां मौजूद रहे। ये जो पहली पूजा हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस दौरान ज्ञानवापी के अंदर सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम किए गए। ज्ञानवापी के बाहर भोले के भक्तों का तांता लग रहा है। 31 साल बाद पूजा की इजाजत मिलने की बड़ी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए लोगों ने मिठाइयां बांट दी। वहां पर हर हर महादेव के नारों से पूरा ज्ञानवापी गूंज उठा। ज्ञानवापी के तहखाने में जिन मूर्तियों की पूजा हो रही है, ये देखिए वहां लोग कैसे मिठाई खिला रहे हैं। अब जरा इन मूर्तियों को देखिए जिनकी पूजा हुई है। तहखाने में बजरंग बली रखे हुए हैं, भगवान शंकर मौजूद हैं, इसके अलावा गौरी गणेश की प्रतिमा की वहां पूजा अर्चना हो रही है। ये देखिए ये व्यास जी के तहखाने के अंदर सारी मूर्तियां और उनकी पूजा। ये वही मूर्तियां हैं जो एसआई के सर्वे के दौरान मिली थी। ये वही मूर्तियां बताई जा रही हैं जिनकी पूजा व्यास परिवार आज से नहीं बॉस, आज से नहीं 500 साल पहले से करता आया। लेकिन सवाल यह है कि एक रात में ये सब कैसे हुआ? आपको ये भी बताता हूं। 31 जनवरी दोपहर 3 बजे कोर्ट का आदेश आया और तहखाने में पूजा की मंजूरी मिली। ये 31 तारीख को 3 बजे हुआ। 1 फरवरी को रात 12:15 बजे नंदी जी के सामने की जो बैरिकेडिंग थी वो हटा दी गई। 15 मिनट बाद 12:30 बजे गंगा जल से तहखाने का शुद्धिकरण किया गया।
12:50 रात में तहखाने में पूजा पाठ शुरू। रात 1:40 पर सभी मूर्तियों की पूजा अर्चना की गई। सुबह 3:30 ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा पाठ चला। सुबह 4:00 व्यास जी के तहखाने में मंगला आरती हुई। कहीं कोई हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्वक काम होता रहे, इसे सुनिश्चित करने की व्यवस्था योगी राज ने कर। जैसे ही वाराणसी कोर्ट का फैसला आया, उसके फौरन बाद ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया। ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि भाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सबको पसंद आए जरूरी तो नहीं, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। मस्जिद परिसर में दर्जनों मजदूर पहुंचे। आधी रात नंदी के सामने से बैरिकेडिंग हटाई गई। 3 फीट चौड़ा, 6 फीट ऊंचा वहां दरवाजा लगाया गया। मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने तहखाने की सफाई की, गंगा जल से धोया गया उसको। पुलिस कमिश्नर, डीएम, मंडल आयुक्त वहां पर उस दौरान मौजूद रहे। यानी योगी सरकार का आदेश था कि बॉस अपने सामने खड़े होकर ये पूजा कराइए और कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। ज्ञानवापी में सिर्फ पूजा ही नहीं हुई, बल्कि विधि विधान के साथ 5 समय की आरती का टाइम भी फिक्स कर दिया गया। अब आप सुनिए, लोग कह रहे हैं पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 होगी, जिसे मंगला आरती आप कहते हैं। दोपहर 12:00 भोग लगेगा। 4:00 आरती हो रही है। 7:00 संध्या आरती होगी। 10:30 सोने से पहले पूजा और आरती का प्रावधान रखा गया है, यानी 5 टाइम वहां पर आरती होगी। इधर तहखाने में पूजा शुरू हुई और उधर मुस्लिम पक्ष में बेचैनी पड़ गई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा और उसके बाद आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। दिल्ली में हुई मुस्लिम संगठनों की बैठक में जमीयत उलमाए हिंद से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शामिल हुए। इस बैठक में AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी भी शामिल थे। जमायत इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर और मलिक मोहताशीन भी मौजूद रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास और कमाल फारूकी भी यहां पर बैठे हुए। बैठक में क्या फैसला हुआ, क्या चर्चा हुई, इसके बारे में मुस्लिम संगठनों ने अभी कोई जानकारी नहीं। पूछने पे कह रहे हैं कि कल बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका लगाई अगले 15 दिनों के लिए तहखाने में पूजा पाठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करें। इसकी तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए, इसलिए 15 दिन तक पूजा करने के फैसले पर स्टे लगा दिया जाए। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर वाराणसी जिला अदालत 8 फरवरी को अब सुनवाई करेगा। यानी मुस्लिम पक्ष हर प्रयास कर रहा है कि कैसे ये पूजा रुकवा दे। अब रुकेगा, पूजा हो गई बॉस, अब क्या। कल रात 12:00 के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा हुई और मुस्लिम पक्ष ने दिन निकलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया। आज सुबह 3:30, आप सोचिए रात में, सुबह क्या रात कहिए, रात 3:30 उठ के मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास भागा भागा पहुंचा। ये सर रोकिए, ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी पर जिला अदालत के फैसले का विरोध किया। रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के बारे में बताया। सुबह 4:00 केस की फाइल देखने के बाद, बताइए, चीफ जस्टिस को ये लोग सुबह 4:00 उठा दी, तो उन्होंने भी फाइल देखी, तो उन फाइल देख के कहे कि सुनिए आप लोग जाइए हाईकोर्ट जाइए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो कोर्ट के फैसले का आधार नहीं समझ पाए कि कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला दिया। अरे बॉस, जब आपको सबूत नहीं दिख रहा है तो आपको आधार समझ में आएगा। एक बार सुनिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहां इनकार कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल है? माननीय न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप इसका इंतजाम करिए। हाँ। अब कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया ही। सुन तो लीजिए, हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940-42 से प्रमाणित है। 3 जजमेंट हमारा है, उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने, कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। और 1 दिन में 4 महीने का मुकदमा में आप आर्डर कर रहे हैं, किस एविडेंस के तहत आपने आर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। जो लोग आज पूछ रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और तुरंत इतना जल्दी वहां पूजा कैसे करवा दी गई, उन लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि इसी व्यास जी के तहखाने में 1993 तक पूजा चलती थी,
किसी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया कि वहां ताला लटका दीजिए, और मुलायम सिंह की सरकार ने ताला लटकवा दिया और कोई हिंदू पक्ष कुछ ना कर सका, तब किसी ने नहीं कहा कि बिना किसी कोर्ट के आदेश के ताला कैसे लटक गया बॉस जब वहां पूजा चल रही थी। और आज कोर्ट के आदेश के बाद ताला उतर गया तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। अरे बॉस कभी नहीं समझ में आएगा, जो नहीं समझना चाहता है ना उसको सब देख के भी नहीं समझ में आता। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू पक्ष तो इस फैसले को लेकर इतना इमोशनल है, इतना उत्साहित है कि वाराणसी में कुछ लोगों ने ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले साइन बोर्ड से मस्जिद शब्द को ही हटा दिया और उसकी जगह मंदिर चिपका दिया वहां। ये देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद लिखा हुआ था, वहां ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी टेम्पल, ऊपर से कागज चिपका दिया लोगों। भाई उनका इमोशन है, उनको लग रहा है कि अब वहां पूजा हो ही गई। तो कई मुसलमान और जानकार कहते हैं कि भाई जहां पर मस्जिद है वहां पूजा नहीं हो सकी, तो पूजा हो गई, मंदिर के सबूत मिल गए, तो फिर उनको लग रहा है कि अब तो हो ही गया मंदिर, अब क्या मस्जिद। ये लोगों का सेंटिमेंट है। अभी हालांकि फैसला कोर्ट को देना है, लेकिन कोर्ट में से पहले लोगों का जो अपना अंदर का फैसला है वो आपको स्क्रीन पर दिखा। उधर ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद वहां पर भक्तों ने दर्शन करना भी शुरू कर दिया। पूजा शुरू होने के बाद जो भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं वो इतने खुश हैं कि शब्दों में अपनी भावनाएं नहीं बता पा रहे। सुनिए दर्शन करके लौटे भक्तों ने क्या कहा। तो एक विशेष, यानी कि क्या कहा जाए, एक ऐसी ऊर्जा उसके अंदर उत्पन्न है कि 31 साल का जितना वो था वो सारा सब खत्म होकर उस ऊर्जा के आगे और विश्वेश्वर की ऊर्जा से वो तहखाना दे दीप्यमान है। और दर्शन करने के बाद हम तो यही मानते हैं कि आज कई जन्मों का आज हमारा पुण्य जो था उसका फल आज प्राप्त हुआ। जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे उसी तरह जैसे लगता है तहखाना में हमारे बाल रूप भोले बाबा विराजमान हो गए। इतनी खुशी हमको हुई जो 92 दिन हमने सर्वे में उसमें जो नजारा देखे थे उसके बाद आज हम लोग इतना अनुभूति हुआ कि हम आपसे क्या कहेंगे, बहुत हम खुश। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वो नंदी जी के सामने की वो तस्वीर बैरिकेडिंग देखा? हाँ देखा। देखा देखा देखा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी कि इतना जल्दी ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हो जाएगा? नहीं, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ। हाँ, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद से ज्यादा काम हुआ और फटाफट हुआ है। दरअसल ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही कमाल है जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 9 दिन के अंदर ही ज्ञानवापी में भी पूजा पाठ शुरू हो गए। क्योंकि योगी जो वादा करते हैं उसे करने की पूरी प्लानिंग बनाते हैं, गलतियों की गुंजाइश खत्म कर देते हैं और कानून के दायरे में रहते हुए एक्शन लेते हैं। यही वजह है कि जैसे ही वाराणसी जिला कोर्ट का आदेश आया, वाराणसी का पूरा प्रशासन लखनऊ से मिल रहे ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा और रात होते होते ज्ञानवापी में पूजा की तैयारी पूरी कर ली। आपको ये तस्वीर देखना भी जरूरी है। ये ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने का वही गेट है जिसे खोलने का आदेश वाराणसी जिला कोर्ट ने कल दिया। तहखाने का ये गेट नवंबर 1993 में तब की मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था, मौखिक आदेश पे बंद हो गया, जिसके बाद से व्यास जी के तहखाने में गौरी गणेश की पूजा भी बंद हो गई। और अब यही गेट सीएम योगी के कार्यकाल में कोर्ट के आदेश के बाद खोला गया। जब व्यास जी के तहखाने का ये गेट खोला गया तब अंदर का क्या हाल था वो आपको दिखा रहा हूं। 31 साल से बंद ये तहखाना बहुत जर्जर हो चुका था। अब यहां एक बार फिर गौरी गणेश विराजमान है, पूजा पाठ हो रही, व्यास परिवार भी इस फैसले से बहुत खुश है। सुनिए व्यास परिवार के लोग क्या बता रहे हैं। गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया वहाँ भूमि को, उसके बाद अच्छा तो छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर पूजा पाठ हुई और आपके साथ और कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद थे? पूजा हुई समझ लीजिए 12:30 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर मुठा जयंत अधिकारी जो जिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है और मंदिर के अधिकारी थे, ये सब लोग वहाँ पर। 31 साल बाद आप लोग को पूजा पाठ का फिर से अधिकार मिला है, क्या कहेंगे, कितना भावुक कर देने वाला ये पल है? हम लोग तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग वहाँ जाने के बाबा के साथ सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ और ये हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी का तहखाना सालों से बंद। इस तहखाने को बंद करने के पीछे का इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में
1993 तक, 1993 तक प्रतिदिन पूजा होती थी। तहखाने में 121 ब्राह्मण प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करते थे। व्यास परिवार के सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने तहखाने में पूजा बंद करवाई, साथ ही पूजा करने वाले पुजारियों को भी वहां से हटा दिया। 1993 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने सोमनाथ व्यास को तहखाने में जाने से रोक दिया। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने तहखाने पर ताला लगा दिया। सोमनाथ व्यास ने भी गेट पर अपना एक ताला लगा दिया। उसके बाद 1996 में तहखाने के कोर्ट कमीशन ने से सर्वे की बात शुरू। तब यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। सर्वे टीम जब वहां पहुंची तो तहखाने पर दो ताले लगे हुए थे। प्रशासन ने ताला खोलने से इनकार कर दिया कि भाई ये ताला खोलने का आदेश नहीं है। लगाने का आदेश कोर्ट से नहीं था, उससे फर्क नहीं पड़ता था। हटाने के लिए इन लोगों को कोर्ट से आदेश चाहिए, नहीं हटाए तो सर्वे नहीं हो पाया। व्यास परिवार का कहना है कि 1993 में मुलायम सरकार ने बिना किसी सरकारी लिखित आदेश के ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा बंद करवाई, और यही बात हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी कह रहे हैं। विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 1993 में हुई गलती को अब जाकर 31 साल बाद ठीक किया गया। व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया सेक्शन 3 ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में, वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। ज्ञानवापी के तहखाने में नियमित पूजा का आदेश देने वाले वाराणसी जिला अदालत के जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 31 जनवरी को ज्ञानवापी में तहखाना खोलने और पूजा का आदेश देने के बाद डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हो गए, यानी उनके करियर का ये आखिरी फैसला। फैसला सुनाए शायद कि वहां पर पूजा कीजिए, जाइए पूजा कीजिए, और उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा कराने का आदेश जज अजय कृष्ण विश्वेश का आखिरी आदेश था। इस फैसले के बाद कोर्ट में ही जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश को विदाई दी गई। अजय कृष्ण विश्वेश की वाराणसी जिला जज के तौर पर पोस्टिंग 21 अगस्त 2021 को हुई, यानी जज साहब जाते जाते एक ऐसा फैसला सुना कर गए जिससे कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो। ज्ञानवापी केस में डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वाराणसी में ज्ञानवापी के मुद्दे पर लगभग सारी सुनवाई उन्हीं के अदालत में हो रही है। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी के मुद्दे पर अहम फैसले दिए, जैसे ज्ञानवापी के एसआई सर्वे का आदेश अजय कृष्ण जी ने ही दिया। एसआई सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपने का फैसला उन्हीं का था। ऑर्डर 711 पर फैसला दिया था, यानी श्रृंगार गौरी के मामले की पोषणीयता पर फैसला भी इन्होंने ही सुनाया था। डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश हरिद्वार के रहने वाले हैं। 1990 में जुडिशियल सर्विस में एंट्री ली और पहली पोस्टिंग कोटद्वार में हुई। उसके बाद 34 साल तक अलग अलग जिलों में काम किया और अब ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक फैसला देने के बाद उनका रिटायरमेंट हो चुका है।